आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आंखों के मरीज हुए लाभान्वित। आजमगढ़ जिला के हरिया ब्लॉक के मसूरियापुर गांव में स्थित श्री चंद्रभानु सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आंखों के मरीज लाभान्वित हुए। उक्त विद्यालय में जयसिंह हॉस्पिटल आजमगढ़ द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में नेत्र से पीड़ित मरीजों को चेक करके दवा दिया गया। चिकित्सा शिविर की डॉक्टर प्रजक्ता सिंह ने आँख की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बीमारियों से बचाव की सलाह दिया और साथ ही साथ जानकारियां दिया कि अगर आप लोगों को नेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए तो आप लोग तुरंत नेत्र संबंधित डॉक्टर से सलाह लेकर उसका उपचार करें। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि महंगाई के इस दौर में अपनी संस्था को आयुष्मान जैसे संस्था से जोड़कर मरीजों का मुफ्त इलाज करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज लाभान्वित हो सकें और पैसे के अभाव में कोई भी मरीज आँख की बीमारियों से परेशान न हो सके। कार्यक्रम के आयोजक श्री ब्रजेश सिंह ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया और मरीजों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिन में हम अन्य बीमारियों से संबंधित फ्री मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कराएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। जिला के हरिया ब्लॉक के चंद्रभानु सिंह इंटर कॉलेज मसूरियापुर के प्रांगण में जहां नेत्र चिकित्सा शिविर का निःशुल्क आयोजन किया गया है, हमारे सामने जिले से चलकर कुछ डॉक्टर साहब लोग आए हैं। आइए हम जानना चाहेंगे कि इस शिविर का उद्देश्य क्या है। बताएं डॉक्टर साहब, अपना शुभ नाम दें। मेरा नाम डॉक्टर प्रायता सिंह है, हम आजमगढ़ से आए हुए हैं और यहाँ पे हम चाह रहे हैं हर गांव में जा के जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है सबकी, उनका एड्रेस किया जाए, उनको हमसे जितना हो सके हम उनको दवा दें फ्री में और चीज़ें हो। बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ होती हैं उन्हें हम मेन अस्पताल में दिखाते हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहीं पर हम ट्रीट करके पेशेंट को सुविधा पहुँचाना चाहते हैं घर घर। डॉक्टर, कोई भयंकर बीमारी अगर निकल जाती है तो उसे कैसे हम उनको रेफर कर देते हैं हमारा कार्ड देके, और जैसे ये पेशेंट कार्ड लेके आते हैं तो उनको फी भी कुछ नहीं लगेगी, बस हम देख लेंगे कि क्या है किस तरह है, हमसे जितना हो सकेगा हम वहीं से ट्रीटमेंट करवा देंगे। डॉक्टर साहब, एक बात आई है, जैसे डॉक्टर भगवान के रूप में जाने जाते हैं और पेशेंट गाँव खासतौर से देहात का बड़ा गरीब होता है, सुनने में आ रहा है कि शहर में एक एक डॉक्टर 800-800 रुपये फीस लेते हैं, 100 रुपया दवा करने के लिए मरीज के पास, तो ये कैंप तो अच्छा लगा लेकिन जब ये मरीज आगे बढ़ के दवा करना चाहेंगे पैसा नहीं रहेगा, पैसे इससे क्या करना चाहिए? हम बहुत सारी अभी जो स्कीम्स निकली है, हम चाह रहे हैं कि हमारा हॉस्पिटल भी यही स्कीम से जुड़ जाए, जैसे आयुष्मान भारत है, चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा पेशेंट को पहुँचाना चाहते हैं और यही वजह से हम यही पेशेंट को अपना रेफर शीट देते हैं जहाँ पर वहाँ उनकी एक रुपया फ़ी नहीं लगेगी, पूरी आगे से लेके पीछे तक सब जाँच बीच करवाएंगे और उससे अगर हमसे जितना भी हो सके हम अपने लेवल पे करेंगे और इनको मेजॉरिटी स्कीम से जोड़ के जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है इनको फ़ायदा पहुँचेगा। सर, रामलन सिंह मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं कार्यरत हूँ। सर, आज यहाँ शिविर लगाने का उद्देश्य आपका क्या? सर, ये जैसे दौरांचल है, गोरखपुर का वाडा है, तो यहाँ पे घाघरा नदी के तट पे हम लोगों का सुविधा मिल नहीं पाती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यहाँ के लोग जा नहीं पाते, तो ये बहुत काफ़ी प्राउड हम लोग करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर्स वेल क्वालिफाइड रहते हैं उनके बीच में जो दौरांचल के लोगों का एक प्रकार से परवरिश देख रेख होती है, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि ये लोग आते हैं और यहाँ आकर के इस दौरांचल के लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। यहाँ के लोग जो है दूर जा भी नहीं पाते हैं और उनके लिए फैकल्टी भी नहीं मिल पाती है, ना उनके पास जो है अमाउंट भी रहता है, तो यहाँ शिविर लगाने से यह हो जाता है कि उनकी आँखों या शरीर का फिटनेस में या कोई ऐसा रोग है जिसके बारे में आगे वो भयानक रूप धारण कर सकता है और वो बेसिक जानकारी नॉलेज उनको मिल जाती है तो इलाज कर सकते हैं और उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कहा जाए कि उनके जो है एक रूप से आगे के फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए जो डॉक्टर साहब आए हैं तो लाइफ की इंक्रीज कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी उनकी भी और हेल्थ भी अच्छा होगा, तो ये सुविधाएं उनको अगर मिल जाती है तो बहुत बड़ी चीज़ है। इस एरिया में आकर के और खुद चल करके आकर के डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ 37 किलोमीटर 40 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है और वहाँ से यहाँ तक आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, निःशुल्क जो है जाँच करते हैं, कुछ मेडिसिन भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, तो ऐसा अगर कोई जिले पर जाता है तो 400-500 रुपये देगा और एडवाइस और मेडिसिन कुछ मिलते हैं वो भी प्राइवेट लेना पड़ता है,
तो इस प्रकार से यहाँ अगर उनके लिए कहा जाए कि एक संजीवनी बूटी की तरह से काम कर रहा है और उनकी लाइफ के लिए भी आगे सेफ है, तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज भी है सर। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि विद्यालय परिवार इस क्षेत्र के मरीजों को निःशुल्क दवा दिलाना चाहता है, इलाज कराना चाहता है, तो ही डॉक्टर साहब भी तैयार हैं कि जो गरीब पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, हम उनको सरकार से जुड़ के, आयुष्मान जैसी संस्था से जुड़ के निःशुल्क दवा दें, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। न्यूज नाइन भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशन लाल। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।